नमस्कार, मिशन 24x7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बात शाहजहांपुर की जाए तो यहां अधिकारी तो अधिकारी रहे, यहां आम आदमियों के सिर पर भी वीआईपी कल्चर का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। तस्वीरें पहले खुटार से आई, यहां पर एक होमगार्ड के बेटे ने अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाई और खूब रौब झाड़ा। उसके बाद आज तस्वीर कलेक्ट्रेट से आई, जहाँ पर एक नायब तहसीलदार वीआईपी कल्चर में मशगूल दिखे। खास बात ये थी कि जिस गाड़ी पे बत्ती लगी हुई थी वो गाड़ी एक प्राइवेट थी। उससे भी खास बात यह है कि उस गाड़ी का इंश्योरेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका है। फिलहाल यहाँ नायब तहसीलदार मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। ये बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे, उसके बाद में सभी खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं। शाहजहांपुर में नीली बत्ती का जमकर हो रहा दुरुपयोग। प्राइवेट गाड़ियों पर अफसर नीली बत्ती लगाकर ले रहे वीआईपी कल्चर का मजा। नीली बत्ती वाली गाड़ी में सवार नायब तहसीलदार मीडिया के सवालों से बचते दिखे। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री विनीत गंगवार ने दिया पद से इस्तीफा। कहा, संगठन में चल रहे भीतरघात से हैं आहत, ऐसे में नहीं लड़ी जा सकती भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह भी आए आगे। गन्ना शोध परिषद पे स्वयं सहायता समूह द्वारा ट्राइको कार्ड बनाने का काम जारी। जिला गन्ना अधिकारी ने समूह के कार्य को जमकर सराहा। कुटार से लाल बत्ती वाली गाड़ी का वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। पुलिस ने गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई। लाल बत्ती वाली गाड़ी खुटार के ही रहने वाले होमगार्ड आनंद प्रकाश की बताई जा रही। और सदर बाजार पुलिस ने पिज्जा डिलीवरी बॉय को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिज्जा डिलीवरी के दौरान फटे नोट के लेन देन को लेकर दो दिन पहले हुआ था विवाद। शाहजहांपुर में नीली बत्ती का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। यहां अफसर प्राइवेट गाड़ियों में नीली बत्ती लगाकर वीआईपी कल्चर का मजा ले रहे हैं। कलेक्ट्रेट में निजी गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई थी, जिस पर सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार सवारी कर रहे थे। खास बात यह है कि जिस गाड़ी पर नीली बत्ती लगी हुई है वो बिना इंश्योरेंस के सड़क पर दौड़ रही है। फिलहाल नीली बत्ती के सवाल पर नायब तहसीलदार बहानेबाजी करते हुए नजर आए। बंडा में पुराने विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई। एक पक्ष मंडल स्तर के भाजपा नेता का बताया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष मनोज कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों में कहासुनी हो रही थी, अब दोनों पक्षों को समझा बुझा कर घर भेज दिया गया है। मामले में जाँच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया ने तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के बैनर तले आज लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए मांग की गई है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराए गए तिरंगे का अपमान जगह जगहों पर हो रहा है, ऐसे में तिरंगे का अपमान करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाल बत्ती वाली गाड़ी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। गाड़ी खुटार के ही रहने वाले होमगार्ड आनंद प्रकाश की बताई जा रही है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद गाड़ी को सीज करने की कार्रवाई की है। वहीं होमगार्ड का कहना है कि इसके बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर कर लाल बत्ती मंगाई थी, जिसे कार पर लगा दिया था। फिलहाल अब पुलिस लाल बत्ती लगाकर रौब झाड़ने वाले होमगार्ड के बेटे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है। महानगर के गदियाना मोहल्ले के लोगों ने भूमाफियाओं पर करबला की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। आज गदियाना मोहल्ले के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन से शिकायत की है। लोगों का कहना है कि वर्षों से करबला में ताजिए दफन करते चले आ रहे हैं, तो वहीं अब भूमाफियाओं द्वारा वहां कब्जा किया जा रहा है। लोगों की मांग है कि कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस की ओर से डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई है, जिसको लेकर रीजनल मैनेजर रंजीव बंसल ने कई ई रिक्शों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ई रिक्शा पर लगे बैनर के जरिए लोगों को डिपॉजिट स्कीम के प्रति जागरूक किया गया। रीजनल मैनेजर का कहना है कि वरिष्ठ नागरिक अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उन्हें 6.6% ब्याज दिया जाएगा। फिक्स डिपॉजिट 555 दिन का होगा और 444 दिन के फिक्स डिपॉजिट पर 5.75% तय किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का कहना है कि डिपॉजिट पर दिया जाने वाला ये ब्याज अन्य बैंकों से सबसे ज्यादा है।
सदर बाजार पुलिस ने पिज्जा डिलीवरी बॉय को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से एक नाजायज तमंचा भी बरामद हुआ है। बता दें कि 24 अगस्त की रात को पिज्जा डिलीवरी के दौरान फटे नोट के लेन देन को लेकर युवकों द्वारा पिज्जा डिलीवरी बॉय को गोली मार दी गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना थाना सदर बाजार क्षेत्र के एमएनजे जलाल नगर की है। पुलिस ने आरोपी नईम और नदीम को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। थानालगंज क्षेत्र के गांव कुड़री में करीब डेढ़ महीने पहले हुई हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि वो जिले के अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत कर चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिल पाया। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब जिले के महिला स्वयं सहायता समूह भी आ गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद सायापुर में स्वयं सहायता समूह द्वारा ट्राइको कार्ड बनाने का काम इन दिनों किया जा रहा है। निरीक्षण करने के लिए जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव पहुंचे। आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह द्वारा अब तक 3000 से ज्यादा ट्राइको कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस दौरान जिला गन्ना अधिकारी ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि गन्ना और अन्य फसलों में बेधक कीट के प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मूर्तिकार त्योहार को देखते हुए दिन रात मूर्तियों को तैयार करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मूर्तिकारों का कहना है कि इस बार त्योहार पर महंगाई का असर देखने को मिल सकता है। उनका कहना है कि मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसके चलते मूर्तियों के दाम बढ़ना लाजमी है, जिसका असर अब त्योहार पर खरीदारी के दौरान देखने को मिलेगा। सायापुर पुलिस का धरपकड़ अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में जिले के सभी थाना क्षेत्रों से एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 55 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, कच्ची शराब और नकदी बरामद हुई है। साथ ही पुलिस ने शांति भंग करने वाले और न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला महामंत्री विनीत गंगवार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। विनीत गंगवार ने प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा भेजते हुए कहा कि संगठन में भीतर घात चल रहा है, जिसके चलते वो आहत है। विनीत गंगवार का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हुए शिक्षकों के एरियर के लिए और भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे में संगठन में चल रहे भीतर घात के चलते भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ पाना बेहद मुश्किल है। राष्ट्रीय गौरक्षक संघ ने कटरा थाना अध्यक्ष को गणेश जी की प्रतिमा भेंट कर सम्मानित किया है। गौरक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष अजीत शर्मा का कहना है कि कटरा थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र गुप्ता द्वारा लगातार गौ सेवा करने का काम किया जा रहा है। गौरक्षक संघ का कहना है कि थाना अध्यक्ष लगातार अपनी ड्यूटी का ईमानदारी से निर्वहन भी कर रहे हैं, जिसके चलते वो इस सम्मान के हकदार हैं। जलालाबाद पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त को भी चोरी के माल के साथ गिरफ्तार किया है। क्षेत्र के गांव दिव्यापुर के रिजवान ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उनके खेत पर लगा हुआ पानी वाला पंखा चोरी हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए राजू गुप्ता नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पानी वाले दो पंखे सहित उपकरण भी बरामद हुए हैं। पूर्व विधायक ओम प्रकाश गुप्ता की आज 14वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कटरा विधानसभा से विधायक वीर विक्रम सिंह ने ओम प्रकाश गुप्ता के आवास पर पहुंचकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। तेलहर पुलिस ने लाखों की कीमत की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बख्तियारपुर के पास से रईस नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 350 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामद की गई स्मैक की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 70 लाख रुपया की जा रही है।